हेलो महारानी जी कहो दरबार प्रणाम रानी माँ खुश रहो दरबार इस वक्त मेरे कक्ष में क्या बात जी हम इसलिए दरबार में आए हैं कि महाराज जी आपको दरबार में कब से इंतजार कर रहे हैं क्या जी महाराज जी राज दरबार पहुंच चुके हैं जी तो इस वक्त हमें जल्द से ही पहुंचना चाहिए जी महारानी जी आहो चला हो चा लाहो यमांत्री यो आसामी जी कला सुबह जब तक ऋषि महात्मा को भोजन नहीं कराते हैं तब तक हम लोग महल में कोई प्राणी भोजन नहीं करते हैं। बात सकते हैं लेकिन आज कोई ऋषि महात्मा आया है अपने महल में या नहीं स्वामी हाँ अभी तक अपने राज दरबार में अपने राजमहल में अभी तक कोई अभ्यागत नहीं आया है कोई अभ्यागत नहीं आए हैं नहीं और इतना ही नहीं स्वामी समय बहुत हो चुके और राजभवन में रोहित भी रो रहे हैं क्या रोहित भूख के मारे वो रो रहे हैं हाँ स्वामी
बाबा के चरणों में राजा हरिचंद्र का क्या इधर माइक में बोलो, जवान को बंद करके माइक में बोलो, इधर नारियल यहाँ नारियल बेचने हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग भिक्षुक हैं, ब्राह्मण हैं। नारियल रुक जाइए रुक जाइए, तुम शांत हो जाओ बेटा। और हम लोगों का वही आगमन होता है जहां हम लोगों के लिए किसी भोजन में किसी दाना पानी में नाम लिखा हुआ होता है। बाबा इस बच्चे को माफ कर दीजिए, ये अभी नादान है, ना जाने कुछ बूझे समझे आपको नारियल बेचने वाला कह दिया। लेकिन अगर ये एक बार भी बदतमीजी किया तो मैं श्राप देकर इसे बंदर बना दूंगा। जा जा बाबा के लिए एक लोटा पानी ले जा, पैर धोए। इस बच्चे के बारे में तुम नहीं जानता है, बहुत ही लालची लड़का है। हट 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 बाबा। राजन आज बहुत समय हो गया, ना जाने आप आ चुके हैं दरबार में, तो आप आसन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आपको भोजन कराएंगे और दान पुण्य करके यहाँ से विदा करके हम लोग भी भोजन करेंगे। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ क्यों जी? लेकिन जब तक आप भोजन करेंगे, जब तक आप बैठेंगे नहीं तो भोजन कैसे कराएंगे? बाबा समझाइए राजन को। बच्चा राम दहलदास, सबसे बड़ी बात है जो मैं इनसे बातें करूंगा मूल्य बातें होगा, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो राजन। हाँ बाबा। आसन ग्रहण करने से पहले, पानी लाने से पहले, भोजन कराने से पहले बस एक जिज्ञासा है, सबसे पहले मेरे साथ सत कीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ यहाँ का ग्रहण करूंगा। हे ईश्वर, हे बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज राजा हरिचंद्र के हाथ से दान लेने से पहले, ये आसन ग्रहण करने से पहले आप सत कराने के लिए चाहते हैं? हाँ। क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास है। आप मांग करके देखिए, मैं जो आप मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ बाबा। नहीं राजन, असंभव। लेकिन बाबा गुरु और शिष्य में सत करने की कौन सी बात बाबा? बात है, जब तक तुम मेरे साथ सत नहीं करोगे तब तक मैं एक पल इस दरवाजे पर खड़ा नहीं रह सकता। नहीं नहीं बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए, ना जाने अगर आपके साथ मैं सच नहीं करता हूं तो ना जाने आप रुकेंगे नहीं, अगर भूखे मेरे दरवाजे पर से चले जाएंगे। हेलो हेलो, एक मिनट, और मैं ये जो हमारे चैनल लगा हुआ है आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अपने अपने चलोगे। अच्छा, और मैं गृहपति से सूचित, अगर आपके साथ मैं सत नहीं करता हूँ, वचनबद्ध नहीं होता हूँ तो ना जाने आप लोग मेरे दरवाजे पर से भूखे लौट जाएंगे। हाँ, इसी वक्त में एक क्षण यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। नहीं बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ सत करने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया साइड में रहिए। ठीक है राजन, जल्दी करो। बाबा के साथ सत करेंगे, उसके बाद बाबा का चरण पखारेंगे, उसके बाद भोजन करा के अपने हाथ से दान करूंगा, उसके बाद यहां से बाबा को मैं विदा करूंगा। इसमें क्या दूध चाहिए? क्या लीजिएगा? बाल्टी में बच्चा राम दहलदास, पहले सत करने दो। बाबा का जिज्ञासा है कि सत्यवादी राजा हरिचंद से पहले सत करवाएंगे, उसके बाद से उनके हाथ से कोई दान पुण्य नहीं। मैं सत कर रहा हूं। चेक वन, आइए एक सत करिए बाबा,
सतना ये देश रे ब्रह्मा विष्णु सत्य सत्य विसत होगा तो नरक में जाऊंगा। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। बाबा आपके साथ मैं सत कर चुका हूं, आप आसन ग्रहण कीजिए। बाबा नहीं राजन, मेरे साथ सत कर चुके हो। अच्छा, और मुझे इस वक्त दान चाहिए बाबा, तो सिर्फ मैं अपनी मर्जी से जो कुछ भी बोलूंगा वही मुझे देना होगा। बाबा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। बाबा हाँ राजन, आप पहले आसन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप भोजन कीजिए, उसके बाद आपको दान पुण्य देंगे। नहीं, ये सब करने से पहले मुझे चाहिए अपने रत्न सिंहासन के नीचे से 3 तोला मुझे मीठी दान चाहिए। रुको 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 रुको, ये पुरवा परसों 20 चलर मट्टी देने से मंगवाए का बिठा सा बच्चा रहा था फरू कैसे 3 चलर मट्टी चाहिए। तुम्हें ज्ञान का अंदाजा नहीं है, मैं कोई 3 टेनर मीठी का बाप नहीं कर रहा हूँ। 3 तोला मीठी रत्न सिंहासन के नीचे का चाहिए मुझे। लेकिन बाबा मुझे भी यह अचंभा लग रहा है कि आप ये हीरा मोती जवाहर छोड़ के ना जाने 3 तोला मीठी लेने के लिए क्यों चाह रहे हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो बच्चा राम डाल दास चलो यहाँ से। रुक जाइए बाबा, हम लोग एक पल नहीं रह सकते जहाँ मेरा तिरस्कार हो जाए। शिव भगवान, ठीक है बाबा, आप नाराज ना होइए, आप बैठ जाइए, आप चाची में लीजिएगा। चलो इसमें मुझे 3 तोला मीठी चाहिए। ठीक है बाबा, अगर आप भोजन करने से पहले आप 3 तोला मेरे हाथ से मीठी दान में लेंगे तो मैं अवश्य दूंगा। जल्दी करो, इतवारे भैया को आप टैबलेट चाहिए क्या? देखा जाए, बाबा को मैं अपने हाथ से 3 तोला मीठी दान करूंगा, उसके बाद भोजन करा के कुछ दान पुनः और कर दूंगा। तोला मीठी भाई हो, अब पहले करिए
चाहिए और तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। बच्चा राम टहल दास, ये वो तीन तोला मीठी है जिस मीठी के सामने किसी का कोई शक्ति काम नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें पता चल गया ये कमंडल तुमसे नहीं उठा। अब देखो परिक्रमा, चला गया, चलो जल्दी से इस कमंडल को उठाओ, देखता हूँ तुम्हारे पास शक्ति है कि नहीं। जब मेरा बच्चा राम टहल दास नहीं उठा सका तो तुम उठाता है या नहीं, जल्दी उठा दिखाओ। शक्ति दिखा रहा है, अभी इन लोगों ने नहीं उठा सका, लेकिन मैं एक पल में एक उंगली के सहारे उठाऊंगा। क्यों नहीं आप बाबा हैं, आप क्यों नहीं उठा सकते राजन? बाबा आप आसन ग्रहण कीजिए और मैं आपके लिए महल से भोजन मंगवा रहा हूँ। राजन, किस भोजन की बात कर रहे हो और किस आसन की बात कर रहे हो? क्या हुआ बाबा? मुझे तो दान मिल चुका है लेकिन अब दक्षिणा बाकी रह गया है, जल्दी से मुझे दक्षिणा दो और यहाँ से मैं चलूंगा। बाबा आप मेरे घर भोजन नहीं करेंगे, दक्षिणा लेके उसके बाद चले जाएंगे। हाँ माँ मंत्री सेनापति, इस समय जाओ महल, तिजोरी से चाबी पकड़ो और जाओ महल से दक्षिणा ले जाओ, बाबा को दान करना है। रुक जाओ, आगे बढ़ने की प्रयास किया तो समझने की प्रयास करो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तिजोरी की बात कर रहा है? जो महल में है बाबा। महल किस महल की बात कर रहा है? जिस महल की तू बात कर रहा है, जिस तिजोरी की तू बात कर रहा है, और जो तुम्हारे पास ये चाबी पड़ा हुआ है, ये सब कुछ तो मेरा हो गया है, मेरा हो गया। और इस राज का बात कर रहे हो? लेकिन बाबा मैं कुछ समझा नहीं। समझने की प्रयास करो, तीन तोला मिट्टी का मतलब हुआ आकाश पताल मृत्यु भवन, ये सब तुम अपनी मर्जी से मेरे पास दान कर चुके हो। नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दे बाबा, आप ऐसा वचन ना बोले बाबा। क्षमा? क्षमा तो उन्हें क्या जाता है, तो खुद मर्जी से दान नहीं करे, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से मुझे दान दे चुके हो। अब तुम्हारा यहाँ एक पल जगह नहीं रहा, तिजोरी की चाबी मेरा हो गया, यह सारी संपत्ति मेरा हो गया, अब यहाँ तुम्हें रहने की एक पल अधिकार नहीं है। क्या यह अयोध्या नगरी मैं दान कर चुका हूँ? ये सब मेरा हो गया है। बाबा को सात रोटी दक्षिणा चाहिए, हमको एक बाल्टी भात चाहिए। चावल नहीं, सिर्फ मुझे दक्षिणा बाकी रह गया, सात रोटी कंचन, सात रोटी कंचन मुझे दक्षिणा चाहिए। बाबा ठीक है, ना जाने आपके मांगे हुए दक्षिणा मैं नहीं देता हूं, तो ना जाने मेरा क्षत्रिय धर्म नाश हो जाए। महारानी, मेरी महारानी, मेरे बच्चे हैं, जरा आप उनसे कुछ पल मुझे मिलने ले जा जाते। बच्चा राम टहल दास, ऐसे पांच मिनट का मौका दिया जाए बच्चे और पत्नी से मिलने का, शीघ्र पूछ लो, अगर ऐसे नहीं विश्वास हो तो हम लोग खुद ही पूछ लेते हैं। चलो चलो बच्चा राम टहल दास, हरिओम तस्यात, हरिओम तस्यात, हे भगवान ना जाने आज क्या हो गया मेरे साथ, मेरे साथ बाबा विश्वामित्र ने छल कर धोखे से सत करवा के मेरा राज, मेरा दौलत, मेरी संपत्ति सब लूट ली। कैसे मैं बताऊं अपने महारानी? जा वामन, जा महल तारामती को भेज दे। आय चलती शिजय बबुआ हरंग तो भाबा नहीं
खुश रहो तरह रहो, खुश रहो बेटा रहो। स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? जब मैं नित्य आपके पास आती थी, तो आप उच्च सिंहासन पर विराजमान रहते थे, परंतु आज कौन ऐसी बात है जो आप उस सिंहासन को छोड़कर खाली पांव ऐसे घूम रहे हैं? आपके आंखों में आंसू, दिल में घबराहट, आखिर कौन ऐसी बात है स्वामी? महारानी तारा मत, तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ आज क्या हुआ? ना जाने तुम लोग अगल महल के बारे में जाने की, तो ना जाने तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए। मेरे पैरों तले जमीन, परंतु क्यों? आखिर कौन ऐसी बात राज दरबार में हो गई जो आपका मन इतना विचलित है? क्यों स्वामी, जब तक मुझे नहीं सुनाएंगे तो मैं कैसे सह सकूं? जब तक मैं तुम्हें कुछ कह के नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मेरे साथ क्या हुआ? मेरे आंख से आंसू क्यों बह रहा है? आये सब तो हलतिया रानी, अब महल के सुना करवाने के बाद उसने मुझसे तीन तोला मीठी दान लिया। तो स्वामी, आप तीन तोला मीठी दान क्यों नहीं करते? मैं ऐसा कर दिया। क्या? मैं गुरु को तीन तोला मीठी दान किया, लेकिन महारानी, लेकिन क्या स्वामी? लेकिन यही है कि तीन तोला मीठी का मतलब हुआ कि आकाश, पाताल, मृत्यु भवन, मैं तीनों लोग दान कर चुका हूं। महारानी, महारानी थरामती भगवान
महाराज ना जाने बाबा मुझसे कहा कि 5 मिनट का समय तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए दे रहा हूं। ये तीनों लोग आपने दान रूप स्वामी को कर दिए, इससे मुझे जो दुख तो मुझे पुत्र रोहित को देख रहा हूं। आखिर मेरे कुल का काफी की पकड़ मेरे पुत्र रोहित को इस बातों से पूछा जाए। स्वामी आपने जो दान वस्तु दान कर चुके उनसे मैं पीछे नहीं हट रही हूं, इससे आप संकोच न कीजिए, परंतु इस कुल का दीपक सिराज का आगे भविष्य मेरा पुत्र रोहित है, उनसे पूछ लीजिए। शांत हो जाइए बाबा, शांत हो जाइए। अब तक मिले हो या नहीं अपनी पत्नी और बच्चे से, आज्ञा हो तो इस वक्त में यहाँ से किसी और राज के लिए मैं भेज दूंगा। बाबा बाबा ये तीनों परों में कौन है सा रोते हुए का दाम नहीं देंगे, हम वापस कर देंगे। नहीं बाबा, नहीं बाबा, रो रो कर आप लोग, मैं क्या हुआ दान वो वापस नहीं लूंगा बाबा। हंसते 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 दान दस ना देना चाहिए इंसान को। इसकी इच्छा तो मैंने जान लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ कि उसकी पत्नी से इच्छा पूछो अलग अलग, उसके बच्चे से पूछो, अगर चाहिए तो मैं दान लौटा भी सकता हूँ। जल्दी से सही है माता माता कर लगे राजा ओकर पत्नी ओकर पुत्र बाकी है। रुको भंग ठावे छियो